बट उसमें भी मैं सोच रहा था शायद इन पे रश लग जाए, बट इन बिटवीन ही लड़ाई लग गई एंड भाई इसे मैं किस्मत तो नहीं कहूंगा क्योंकि उस मैच में डिलीट की क्लच भी थी, तो किस्मत अगर होती तो किल ना निकलते, लेकिन उसमें किल भी निकाले थे डिलीट ने, माफिया ने वहां पे एट दी एंड कहना पड़ेगा पेशेंस का जो है सही इस्तेमाल किया, एंड आई एम डैम श्योर माफिया मेरे साथ बिताए हुए उसे एक गेम की सलाह को भूल गए होंगे, इट्स ओके। तो रॉकी भाई और एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि ये साइट किंग या स्काइट किंग जो बोलते हैं इसके पीछे क्या जी राज है? आई थिंक इसके बारे में माफिया बता पाएंगे, बताइए माफिया आपको आज जो है साइथ हैकिंग कहाँ जा रहा था? एक सेकंड बाय बाय फिर मैं जाता हूँ। अभी आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। जी जी माफिया मैं पूछ हाँ रहा था साइथ, कि वो साइथ। आपको सब साइथ हैकिंग कह रहे हैं आजकल, हेलो हेलो। जी मैं कह रहा था ऑडियंस में आज से आपका नया नाम हो चुका है साइथ हैकिंग। वो बस साइड से क्लच नहीं मार रखे हैं बहुत बार, तो इसलिए ऑडियंस वाले कहते रहते हैं साइड किंग साइड किंग, जी क्योंकि साइड मतलब मैं बहुत प्रेफर करता हूँ क्लोजरिंग में, और मतलब M18 में MP4 वगैरह छोड़ के साइड अच्छा लगता है, तो उससे बंदे मर आर यू जाते हैं प्रिपेयर्ड फॉर इजिली। दिस माफिया? ये हाँ तैयारी की थी आपने या फिर एज अ प्राइमरी वेपन रखना पड़ता है बोल के आपने नहीं जो है नहीं साइटे इस पे ही भरोसा मतलब रखा? पहले क्या सीन था, हमारे डुअल स्नाइपर चलती थी तो शॉर्ट रेंज एक कुछ नहीं होती थी, तो तब साइड चलानी पड़ती थी क्लोज में। अब वो उसमें इतना परफेक्शन हो गया कि अब वो कोई शॉर्ट रेंज करो तो भी साइड चलाता हूँ मैं, क्योंकि उससे बंदा मर जाता है, भरोसा रहता है उस पर, तो इसलिए साइड चलाता हूँ मैं, और बंदे मर जाते हैं एक दो, ये सीन है। वन मोर, क्योंकि इतनी इतनी तारीफ हुई है तो अब थोड़ी सी कटांस भी चाहिए। माफी आई वांट टू नो कि ये जो लोग कहते हैं कि नए अपडेट के बाद स्नाइपर उतनी एक्यूरेसी से नहीं चलती है, दिक्कतें आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, अब तक मुझे तो नहीं दिखा है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिक्कत तो डेफिनेटली है, बट डू यू थिंक ये इन द लॉन्ग रन आपको दिक्कत देगा और आपको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी कोई मुसीबत है नहीं है? नहीं अगर हमारे पहले चलाते थे सबको स्नाइपर को पता ही है चलानी है, थोड़ा सा उसका मतलब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा स्टाइल भी अपने चलाने का, थोड़ी ट्रिक्स भी होती हैं, तो एक बार ट्रिक समझ जाओ तो बस चलने लग जाएगी पहले की तरह, थोड़ी सी धीरे चलेगी मगर चलेगी, और सिंगल भी चलाओगे तो भी अच्छी है, डुअल भी चलाओगे तो भी अच्छी है, बाकी क्लोज में साइड तो है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी धीरे हुई है मगर बाकी पहले जैसी है, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और एक चीज रॉकी भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो साइथ किंग की बात आई गई है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो माफिया भाई ये वेपन चलाते हैं ठीक है, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो वेपन है ये सिर्फ जब ये टेबल टॉपर हो गए हैं श्योर होते हैं उस वक्त चलाते हैं या बाकी टाइम पे भी ये चलाते हैं जब भी नहीं नहीं मौका नहीं मिले? नहीं 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 सर, देखने वालों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद फुल कॉन्फिडेंट है भाई, अब हमसे बुया कोई ले नहीं सकता बोल के ओवर कॉन्फिडेंस में चला दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं माफिया को इस वेपन का यूज एक लंबे अरसे से करते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज पहले ऐसा सीन था कि माफिया ऑलवेज बीइंग अ रोल इन टोटल गेमिंग एज एन स्नाइपर, तो दो स्नाइपर्स अगर आपके पास हो और एक्सट्रीम क्लोज रेंज में कोई डबल बैरल या MP40 लेके चढ़ रहा है तो आपके पास ऑप्शन उतने शायद रहते नहीं हो, क्या पता गन रिलोड पे चली जाए, तो साइटे का एक फायदा ये है कि इवन बॉडी भी कनेक्ट करेगी तो वो लगभग 75-100 का डैमेज दे देगी, और अगर हेड पे आप सही कनेक्ट कर सकते हो तो एक ही झटके में आप अपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो, डजंट मैटर अगर कितना भी लेवल का उसका हेलमेट है, तो इसके लिए मैं तो कहूंगा कि ये सिर्फ तुक्का नहीं है, ये मैं तो कहूंगा अच्छी खासी मेहनत है माफिया की, क्योंकि देखिए मैंने कई स्पोर्ट्स एथलीट को देखा है साइटे चलाते हो, बट जिस एक्यूरेसी से माफिया आजकल चला रहे हैं कमेंडेबल कमेंडेबल। माफिया भाई आपसे और एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि अब तो चलो खैर आज हम इतने दिन के बाद जुड़े हैं, मैं ये नहीं पूछ सकता कि नेपाल के टीम्स के ऊपर व्यूज क्या है, पाकिस्तान के टीम्स के ऊपर व्यूज क्या है, क्योंकि वो टेबल में बहुत पीछे हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इफ रॉकी भाई मैं पूछ सकता हूँ सवाल, तो अगर ठीक जी है जी तो जी जी इंडियन टीम्स में कौन कौन सी टीम्स के एरो टीम्स के ऊपर आपके व्यूज, फिर हो गए हमारे ओजी ओरैंगुटैन एलीट के ऊपर, फिर हो गए केमिन के ऊपर, आपके क्या व्यूज हैं कि किसकी कहाँ पे स्ट्रेंथ है, किसका आपको लगता है कि ये भी टीम कमबैक्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लगता है ये सारी चीजों में? मुझे अपनी टीम इंडिया जितना पता है चारों टीम बहुत अच्छी हैं, एक तो हमारे बाकी टीम एरो ओरैंगुटैन और केमिन, तीनों बहुत अच्छी हैं, तीनों कंसिस्टेंट हैं, तीनों कंट्रोल भी बहुत अच्छा है और उनका होल्ड भी अच्छा है, मतलब कोई एक दो टीम टारगेट भी करती है वो होल्ड कर लेगी जैसे वो करती है, और ओरैंगुटैन भी अच्छा तो गन पावर भी है, केमिन का भी होल्ड अच्छा है,
और एरो का सब अच्छा है, वो होल भी करती है मारती भी है, तीनों अभी टेबल टॉप टॉप फोर में हम चारों टीम्स, तो इंडिया की टीम सारी ऐसे खेलते हैं। अच्छा तो माविया भाई, तो आप क्या अभी ये कह सकते हैं कि कल वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप इंडिया का ही होगा? हाँ पक्का पक्की बात है, ये रॉकी भाई आप भी कह रहे हो ये पक्की बात है? पक्की बात है। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, टीजी जीते, ओरेंगेटॉन जीते, केमिन या एरो, आएगा तो कप इंडिया ही। तो गाइज यही सुनना था कि कल हमने एक डिस्कशन लिया था सारे कास्टर्स के साथ और एरो भाई की टीम के साथ हम डिस्कशन पे थे। फिर उससे पहले हम ओजी टीम के साथ भी पहाड़ी से जुड़े थे। फिर उससे पहले हम केमिन टीम के आनंद भाई के साथ में जुड़े थे, राधे ठाकुर भाई के साथ भी जुड़े थे। तो उस वक्त इतना हम कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम ये स्टेटमेंट या फिर ये चीज बोल पाए कि WEC इंडिया को ही आएगा। हम उस वक्त ये उम्मीद कर रहे थे, बट कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था रॉकी भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल हमने ये बोला था कि आज के दिन के पॉइंट टेबल को देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि WEC घर आ रहा है। तो शायद आज मेरे को कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है, इसके ऊपर आपके और माफिया भाई के व्यूज क्या हैं? मेरी ओर से भाई मिठाइयां मंगवा लीजिए कल। माफिया माफिया अपना जवाब खुद देंगे, मेरी ओर से तो मैं कहूंगा बिल्कुल मिठाइयां मंगवा बिल्कुल। लीजिए। जीत गई इंडिया, डब्ल्यूसी ट्रॉफी आएगी, इंडिया और भी आएगी। माफिया भाई आप कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि ट्रॉफी शायद सिर्फ मैंने देखी है, एक मैं लीक यहाँ पे देना चाहूंगा, ट्रॉफी इतनी बढ़िया है माफिया भाई, इतनी प्यारी ट्रॉफी बन रही है कि जब ट्रॉफी को देखोगे प्राइस पूल भूल जाएगा बंदा। सही में रॉकी भाई ऐसी बात बता रहा हूँ, ट्रॉफी उतनी प्यारी है वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप वाली। मैं भी देखने के लिए इंडिया के लिए उत्सुक ट्रॉफी हूँ। जीतेंगे तो भाई पैसे सब भूल ही जाएंगे, ट्रॉफी चाहिए, वही हर स्पोर्ट प्लेयर का वही ड्रीम होता है, ट्रॉफी चाहिए बस, और इस पैसे टूर्नामेंट हमारे क्यों नहीं में जीतेंगे, ट्रॉफी में माफिया नहीं। भाई कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा बहुत प्रेशर था कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ये कोई दूसरा मतलब नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है, यहाँ पे आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ये चीज का प्रेशर था कहीं ना कहीं आप पे? नहीं अभी प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम एशिया खेला है तो वहां पे पहले प्रेशर था, वो टूर्नामेंट हमारा प्रेशर में थोड़ा खेला था, मगर अब बिल्कुल नहीं है, अब जैसा खेलते हैं खेलेंगे सिंपल गेम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच माफिया भाई यहाँ पर आपका कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते रॉकी भाई, अगर आप फौजी भाई को ऐड कर सकते हैं, एक बार ऐड कीजिए उनसे, एक दो श्योर सब हम लाइव एंड कर देते हैं। माफिया भाई श्योर थैंक यू श्योर, सो मच ज्वाइन करने के लिए, मजा आया थैंक आपके यू, साथ बात करके।